हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का भारत मोटर्स की एक और नई वीडियो में। ये हमारी स्कॉर्पियो, ओल्ड स्कॉर्पियो से लेटेस्ट स्कॉर्पियो में कन्वर्जेशन करने की वीडियो है। पहले की कंडीशन गाड़ी में देख सकते हैं, ये 2009 मॉडल का स्कॉर्पियो है जिसके कंडीशन देख सकते हैं आपके इस तरीके से गाड़ी हमारे पास आई थी। इसे हमें लेटेस्ट 2018-19 का जो S10 मॉडल आता है उसमें कन्वर्ट करना है। पूरा प्रोसीजर आपको दिखाया जाएगा वीडियो में। पीछे से इसका फ्रंट एंड बैक लुक पूरा चेंज होगा, साइड लुक भी चेंज होगा। गाड़ी में से सब इंटीरियर पूरा खोल दिया है हमने। गाड़ी का इंटीरियर बहुत ख़राब है, डोर पैनल सब फटे हुए हैं और सीटें सब खराब थी, तो हमने सब कुछ बनाना है हमें। इस तरीके की गाड़ी की कंडीशन है। इसमें स्लाइडिंग डोर आता है, 2009 मॉडल में स्लाइडिंग विंडो आती है। तो हमें इसमें लेटेस्ट वन सिंगल पीस में जो आता है बॉडी पैनल में S10 में, वो ग्लास हमें चेंज करना है। गाड़ी का सारा हमने स्पेयर पार्ट अंदर से खोल लिया है, जो भी इंटीरियर हमने सब खोल के बाहर निकल लिया है। इसमें लेटेस्ट मॉडल का स्कॉर्पियो S10 का हमने डिक्की लगा दिया है। साइड क्लैडिंग भी फिट कर दिया है हमने गाड़ी में, देख सकते हैं आप लेटेस्ट मॉडल की डोर क्लैडिंग्स। ये आगे का हमें क्रॉस मेंबर चेंज करना पड़ेगा, ये ओल्ड स्कॉर्पियो में लेटेस्ट स्कॉर्पियो में अलग आता है, इसलिए हमने आगे का इसका रेडिएटर कंडेंसर एसी का जो भी सिस्टम है सब खोल लिया है, एयर फिल्टर असेंबली। अब इसके बाद इसे कटिंग करके, जो ओल्ड क्रॉस मेंबर कटिंग करके हमें नया स्कॉर्पियो S10 का क्रॉस मेंबर इसमें लगाएंगे। लेटेस्ट स्कॉर्पियो का जो बोनेट आता है वो थोड़ा बड़ा आता है, इस वजह से उसका लॉक सिस्टम चेंज करना पड़ता है, लॉक मैकेनिज्म चेंज आता है। तो इसलिए हमने नया महिंद्रा का ओरिजिनल ये लैच लेकर आए हैं। रफली थोड़ा डेंटिंग का काम चालू है इसमें, जो भी हेडलाइट अलाइनमेंट का काम हो रहा है, और ये नया क्रॉस मेंबर वेल्ड हो रहा है गाड़ी में। गाड़ी के आगे का हुड लग गया है और बाकी का फाइनल पेंटिंग का काम चालू है। गाड़ी पेंटिंग वर्क के लिए है, इसमें पूरी गाड़ी में ग्राइंडर मार के स्क्रैप कर देंगे। गाड़ी जहाँ पर भी डेंट थे, वो डेंट पुल किए हुए थे, वहाँ पर ग्राइंडर मार के सरफेस को स्मूथ करेंगे। गाड़ी में पुट्टी फिलिंग का काम चालू है, इसमें डोर हैंडल भी चेंज हो गए हैं इसके। पहले वो जो क्लिप वाले हैंडल आते थे, अभी ये स्कॉर्पियो लेटेस्ट स्कॉर्पियो के डोर हैंडल हमने चेंज किए हैं। गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं, गाड़ी के जो भी लेटेस्ट स्कॉर्पियो के हम स्पेयर पार्ट थे वो सब हमने अलाइंड कर लिए। अब इसमें पुट्टी फिलिंग का काम चल रहा है। बोनेट में हमने शॉकर भी लगा दिए हैं। ये ओरिजिनल जो कंपनी देती है लेटेस्ट मॉडल में, उसी तरीके से हमने इस गाड़ी को बनाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको भी किसी गाड़ी का काम कराना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपकी जूनी गाड़ी को आपको लेटेस्ट, किसी भी गाड़ी को आपको लेटेस्ट कन्वर्जेशन कराना हो तो आप करवा सकते हैं। स्पीडोमीटर भी हमें चेंज करना है।
गाड़ी में डालने के लिए हम नई LED स्कॉर्पियो ग्रिल लेकर आए हैं। ये अच्छी क्वालिटी की ग्रिल है, गारंटी के साथ आती है। ये वाइट LED में आती है, इसमें रेड एंड ब्लू का भी ऑप्शन आता है। देख लेट हम ओरिजिनल महिंद्रा OEM लेकर आए हैं। LED विद LED TRL, ये ओल्ड मॉडल में साइड मिरर भी चेंज आते हैं, तो हमने लेटेस्ट मॉडल के इसमें साइड मिरर भी चेंज किए हैं। गाड़ी का ओल्ड पार्ट्स है ये, जो हमने इसमें से निकाला है, रिमूव किया है, वो जूना सामान आप देख सकते हैं। ये डोर क्लेडिंग्स, फ्रंट एंड रियर बम्पर, बोनट, हुड, डिक्की। गाड़ी में हमने कोटिंग अप्लाई कर दिया है, ब्लैक कोटिंग। और कोटिंग करने के बाद इसे फाइनल टचअप करना पड़ता है, जो स्क्रैचेस और डेंट्स होते हैं छोटे, वो कोटिंग के बाद दिखते हैं, तो उसे फिलअप करना पड़ता है। गाड़ी अब पेंट के लिए तैयार हो गई है, इसलिए हमें प्रेशर वॉश से पूरी गाड़ी को हमने धो दिया है, कि जो भी धूल मट्टी है वो सब निकल जाए। इससे क्या पेंट प्रॉपर अच्छी तरीके से गाड़ी पे बैठ सकेगा और फिनिशिंग अच्छी आएगी। प्रेशर वॉश से जो भी गंदगी है गाड़ी में लगी हुई वो सब निकल जाएगी। गाड़ी का हमें इंटीरियर भी पेंट करना है, इसलिए हमने इसका पूरा इंटीरियर बाहर निकाल के इसे प्रेशर वॉश से पूरा धो दिया है। इंटीरियर पैनल्स साफ हो जाएंगे पूरे अच्छी तरीके से, तो पेंट अच्छी तरीके से बैठ सकेगा। ये धोने के बाद इनके ऊपर प्लास्टिक प्राइमर का कोट मारना पड़ता है। प्लास्टिक की किसी भी चीज पर पेंट करने से पहले प्लास्टिक प्राइमर लगाना पड़ता है, वरना तो कलर निकल जाता है पपड़ी बन के। हमें टैन और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में पूरा इंटीरियर पेंट करना है। सीट कवर भी इसी कलर के मैचिंग के ही हमने बनवाए हैं। फ्रंट ग्लास हमने आगे का चेंज किया है, तो ग्लास चेंज हो रहा है गाड़ी का।
फाइनल गाड़ी तैयार हो चुकी है, इसके आप क्वालिटी देख सकते हैं। अगर हमारा काम कैसा लगा आपको, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी गाड़ी का डेंटिंग, पेंटिंग, पॉलिशिंग, रबिंग, इंटीरियर कोटिंग, फेसलिफ्ट, कन्वर्जेशन, किसी भी तरीके का काम हो, आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा वर्कशॉप नारोल अहमदाबाद गुजरात में है। हम क्वालिटी वर्क करते हैं, तो आप बेफिक्र अपनी गाड़ी हमें दे सकते हैं काम के लिए। फाइनल देख सकते हैं कि गाड़ी हमने किस तरीके से तैयार की है। मैं बिल्कुल गाड़ी के बाहर से कोई बता नहीं सकता है कि ये 2009 मॉडल का स्कॉर्पियो है। सीट कवर, सामने सीट कवर, लेदर मैटिंग्स, अंदर मूड लाइटिंग, एंड्रॉइड स्टीरियो, ये सब हमने काम कराया है इसके अंदर। गाड़ी अंदर से आप देख सकते हैं जूनी स्कॉर्पियो का ही इंटीरियर है। एंड्रॉइड स्टीरियो विथ नेविगेशन, बिल्कुल 2009 मॉडल गाड़ी है अंदर से, और बाहर से लेटेस्ट मॉडल स्कॉर्पियो S10। मूड लाइटिंग भी आप देख सकते हैं नीचे। अगर आपके पास भी जूना मॉडल को स्कॉर्पियो हो तो आप उसे लेटेस्ट मॉडल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। हेडलाइट की क्वालिटी देख सकते हैं आप आगे के, ये ओरिजिनल महिंद्रा हेडलैम्प्स है, कोई आफ्टर मार्केट नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, मैं ऐसे ही गाड़ी के रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे भारत मोटर्स की एक और नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू।